हेलो फ्रेंड्स, ईडी अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स के बारे में जो 21 से 24 सेशन से अपना ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स में परस्यू कर रहे हैं, मतलब जिनका ऑनर्स सब्जेक्ट इंग्लिश है। उनके लिए क्या वीवीआई क्वेश्चंस होने चाहिए और कैसे वो लोग अपना प्रिपरेशन कर लें कम समय में, उस टॉपिक पर आज ये वीडियो है। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि LNMU का एग्ज़ाम जो प्रस्तावित तिथि है वो 26 जून से है और यूनिवर्सिटी के तेज़ काम करने से ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी इस डेट से न ज़्यादा आगे एग्ज़ाम लेगी न पीछे एग्ज़ाम लेगी, इसी डेट में एग्ज़ाम लेगी। तो कम टाइम में कैसे अच्छा स्कोरिंग मार्क्स ले आएँ, ये सारा बात इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल्स अलग अलग गेस्ट पेपर का रेफरेंस दे देते हैं कि इनसे कर लीजिए, इससे कर लीजिए, बट कितना कर लीजिए और कैसे कर लीजिए वो कोई नहीं बताता है। फ्रेंड्स, गेस्ट पेपर में तो बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा आंसर्स दिया रहता है, बट VVI क्वेश्चंस जो होते हैं गेस्ट पेपर के, उसमें वो भी कम से कम 10 से 15 रहते हैं। तो उसमें से कौन सा VVI क्वेश्चन आएगा या कौन सा क्वेश्चन उसके क्लोज होगा, ये ईडी अपडेट्स आपको सही सही जानकारी देके बताएगी। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे जो पेपर 3 का होने वाला है इंग्लिश ऑनर्स का, उसके बारे में। क्रिटिकली एग्जामिन एंड एनालाइज द थीम ऑफ द प्ले एडवर्ड टू। फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है क्रिटिकली एग्जामिन एंड एनालाइज द थीम ऑफ द प्ले एडवर्ड टू। अगर आप लोग, मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई है और उसका लिंक भी मैं आई बटन में शेयर कर दूंगा, आप लोग जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। और अगर आप कहेंगे कि हम लोग को और ज़्यादा चाहिए तो आप वो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इसको पूरा कंप्लीट करके वीडियो ईडी अपडेट्स के चैनल पे पोस्ट कर दी जाएगी। अगर अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है गिव द समरी ऑफ द प्ले मैकबेथ। गिव द समरी ऑफ द प्ले मैकबेथ। तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस मैकबेथ एज ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्केच द कैरेक्टर ऑफ मैकडफ। स्केच द कैरेक्टर ऑफ मैकडफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसिडर सी स्टूप्स टू कंक्वेयर एज एन एंटी सेंटिमेंटल। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ नोट कॉमेंट ऑन 12th नाइट एंड डिस्कस द विट एंड ह्यूमर ऑफ द प्ले। फ्रेंड्स, जो आपका प्ले है 12th नाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है और इसको भी आपको अच्छे से पूरा पढ़ के और इसमें सारा आंसर्स करके जाना है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कहा जाएगा कि इस प्ले में जो विट, जो ह्यूमर छिपा हुआ है, जो हंसी और मजाक छिपा हुआ है, इसके बारे में डिटेल कॉमेंट करना या इसके बारे में डिटेल आंसर लिखना, ये आपको कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ये सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा और इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो होता है कैरेक्टर का स्केच, ये शॉर्ट नोट्स में डाल देता है और इसका मार्क्स, अगर आप ये क्वेश्चन टच भी कर देते हैं तो आपको इसमें मार्क्स आता है। तो कोई भी कैरेक्टर हो, जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वो यही पांचों रहने वाले हैं। जो पहला है वो है ओलिविया, दूसरा है फेस्ट, तीसरा है मॉर्टाइमर, चौथा है मिस नेविल और पाँचवा है केवस्टोन। तो फ्रेंड्स, ये सारा कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, इसका आंसर आप करके जाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ईडी अपडेट्स ये सारे VVI क्वेश्चंस का आंसर आपके लिए कर दे तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताइएगा। आपको ये सारा आंसर्स वीडियो के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू, दोनों के थ्रू आप तक पहुंचा दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में रहता है, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो से सारे जरूरी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, होम साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ये सारा ऑनर्स, BA, BSc, BCom, इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो ईडी अपडेट्स आपको ज़रूर से ज़रूर इसमें हेल्प करेगा। वैसे तो हमारा ये एम है कि हर एक पेपर का VVI क्वेश्चन एटलीस्ट हम लोग
पोस्ट करते ताकि स्टूडेंट्स उसको जल्दी कवर कर लें। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।